मैं इसे एक डिसेंट वन टाइम वॉच बोलना चाहूँगा, मैं ना इसे बिलो एवरेज उस फ्लाइट में वो हमें बताया तो उस चीज़ ने इतने रोंगटे खड़े किए कि ऐसा लग रहा था अब क्या होगा। मूवी का सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो यह है कि दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट। देखिए KGF चैप्टर 2 हो गई या उससे पहले जो हमने RRR देखी। वेलकम बैक टू फिल्मी टाउन दोस्तों, हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट यानी कि अनुप जी। अनुप जी बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी टाउन पे। तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट से फर्स्ट में देखी है अजय देवगन के रन में 34, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपके रिएक्शन बयां करना चाहेंगे आप? देखिए रनवे 34 जो फिल्म है, अगर उसे बहुत ईमानदारी से बताऊं तो फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, पर सेकंड हाफ ने उसी पूरे ग्राफ को, एक जो इमोशनल और मेंटल ग्राफ होता है, उसे बिल्कुल ही नीचे ले गया वो मेरे साथ में। फर्स्ट हाफ जिसे हम कहते हैं एज ऑफ द सीट थ्रिलर, वो मौके हमें दिए पूरे जो एक प्लेन के अंदर का जो एक इवेंट था और किस तरीके से एक इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान जो हुआ उस फ्लाइट में वो हमें बताया तो उस चीज़ ने इतने रोंगटे खड़े किए कि ऐसा लग रहा था अब क्या होगा। और सेकंड हाफ जो है एक कोर्टरूम ड्रामा है और उस कोर्टरूम ड्रामे को पूरा जो बॉलीवुडाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो हो गया, तो उस चीज़ के कारण जो फर्स्ट हाफ का जो लेवल अप हो चुका था वो सेकंड हाफ में उसने पूरा ग्राफ को गिरा दिया सेकंड हाफ में। तो आप जी कि इन वन वर्ड किस तरीके से इस मूवी को प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, एवरेज सुपर हिट किस तरीके से? मैं इसे एक डिसेंट वन टाइम वॉच बोलना चाहूँगा, मैं ना इसे बिलो एवरेज बोलूँगा, ना ही एवरेज बोलूँगा, ना ही सुपर हिट की श्रेणी में डालना चाहूँगा। पर क्योंकि इस फिल्म में दिखता है कि काफ़ी लोगों ने अपना पूरा 100% अभिनय किया है, अपना 100% जो कहते हैं जिसे समर्पण दिया है हर डिपार्टमेंट ने, तो उस कारण से इस फिल्म में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी निकल कर आई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी जो है वो बहुत शानदार है, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, जो VFX है वो काफ़ी अच्छा है, तो इस फिल्म के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब ने मिलजुल के एक अपने सामने जो प्रस्तुति की है उससे एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है। पर कहीं ना कहीं कहानी में एक हल्की सी जो पैनापन जिसे कहते हैं, हल्का पैनापन जो कमी कहते हैं वो नज़र आई है, जिससे उसकी जो क्रिस्पनेस कहते हैं, जो उसकी जो एक कहते हैं कि एक बांधे रखना, वो थोड़ी सी सेकेंड हाफ में पकड़ ढीली हुई है, तो इसे मैं एक डिसेंट वन टाइम वॉच कहूँगा। काम के बारे में बात करते हैं तो काम आपको सबसे किसका बेहतरीन लगा या फिर काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बेहतरीन काम मुझे अजय देवगन जी का लगा है जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। देखिए अजय देवगन जी के बारे में जितना बोले उतना कम है, वो अपने आप में एक ऐसे कलाकार है जिनका ना केवल डायलॉग डिलीवरी बट उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, जो उनकी आँखें हैं, वो अपने आप में एक कैरेक्टर होती हैं, और क्योंकि वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो उन्हें अपनी खूबियाँ और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसे कहते हैं बहुत अच्छे से पता है, तो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से उनकी खूबियों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब डायरेक्टर को ही अपने बारे में सारी खूबियाँ पता हो तो फिर उसका जो बाहर आएगा प्रोडक्ट वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे लेवल पर होगा। तो अजय देवगन अगर आप मुझसे पूछोगे तो इस फिल्म में सबसे बेस्ट है। अमिताभ बच्चन जी और रकुल प्रीत सिंह यानी कि लीड एक्टर्स इस मूवी के, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमिताभ जी और अजय देवगन का जो कॉम्बो है वो हर फिल्म में देखने का एक अलग मज़ा होता है। दोनों एक बहुत ही नेचुरल कॉम्बिनेशन वाले एक्टर्स हैं ऐसा लगता है, और इस फिल्म में भी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। अमिताभ बच्चन जी एक्टर बहुत अच्छे हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, पर इस फिल्म में जो उनका किरदार है, जो कैरेक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा वीक लगा मुझे। स्पेशली जिस टाइप से वो बार बार हिंदी शब्दों का उच्चारण करते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं, वो थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं बॉलीवुडाइजेशन और ड्रामेटिक बनाने की एक कोशिश है, वो मुझे उतनी नहीं जची। पर देखिए हर जो कलाकार होता है वो ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो जैसा उन्हें डायरेक्टर ने कहा है वैसा उन्होंने किया है, जो डायलॉग दिए हैं वो उन्होंने बखूबी निभाए हैं। तो अमिताभ बच्चन जी ने अपने रोल के साथ बिल्कुल जस्टिस किया है, पर उनका जो किरदार था वो मुझे थोड़ा कमज़ोर लगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी एक पिक्चर क्रिएट हो चुका है, मतलब साउथ इंडस्ट्रीज आर डूइंग वेल इन हिंदी फिल्म, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस तरीके से केजीएफ चैप्टर 2 का लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में यानी कि रमजान में मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेटिंग टू गेट ओवर दिस रमजान फेस्टिवल वगैरह, तो एक बार रमजान आ गया तो लोग केजीएफ चैप्टर 2 देखने के लिए और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस रमजान के वक्त केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मूवी इस मूवी को इफेक्ट कर पाएंगी? देखिए KGF चैप्टर 2 हो गई या उससे पहले जो हमने RRR देखी, ये लार्जर देन लाइफ फिल्म्स हैं, तो ये
रमज़ान क्या, दिवाली क्या, ये ऑल सीजन फिल्म्स है। तो जब भी ये फिल्म्स लगेंगी तो इसके लिए दर्शकों का एक जो उत्साह है, जिसे अगर हम अपनी भाषा में पागलपन कहें, जो एक देखने का क्रेज़ बोलें, वो हमेशा बना हुआ रहेगा। तो मुझे, मैंने KGF 2 भी अभी देखी, थिएटर खचाखच भरा हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि रमज़ान के कारण शायद उसमें भीड़ अभी कम है, पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या रमज़ान के बाद KGF 2 और रनवे 34 के बीच में अगर टक्कर होगी, तो मुझे लगता है टक्कर वाली कोई बात ही नहीं है। रनवे 34 जो है वो KGF 2 के मुकाबले में थोड़ी सी पीछे रहने ही वाली है। मैं 2.5 देना चाहूँगा। अच्छा, और परफॉर्मेंस के लिए? परफॉर्मेंस के लिए मैं सबको अराउंड 3.5 देना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए, इस फिल्म में हर कोई अजय देवगन और अमिताभ बच्चन जी की बात करेगा, पर मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि रकुल प्रीत का जो काम है वो बहुत प्यारा है। और ना केवल उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से, बल्कि डायलॉग डिलीवरी में भी दिखता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी नेचुरल लगी है। अच्छा। तो मेरी बस एक ही वो रहेगी कि आप जब ये देखें तो आप रकुल प्रीत के अभिनय की भी बात करें, प्रशंसा करें। प्रशंसा तो देखिए मेरे हाथ में नहीं है, मुझे अच्छी लगी, मैंने प्रशंसा की है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखने जब आप जाएँ तो आप उन्हें भी देखिए। ये फिल्म अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के अलावा उनकी भी है। जिन्होंने अब तक ये मूवी देखी नहीं, उनको किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, इस मूवी का सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो यह है कि दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो हम लोगों के दिनचर्या में हमें पता ही नहीं चलते हैं। आज भी ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे एक सीक्रेसी मेंटेन करना जो है इस प्रोफेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगर कोई फिल्म हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखा रही है जो हमने कभी पहले ना देखी हो, तो इस कारण मुझे लगता है कि ये फिल्म एक बार देखी जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आएंगी और काफ़ी चीज़ों के ऊपर से पर्दा भी हटेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।